पीथमपुर सेक्टर एक में स्थित सहयोग फार्मा कंपनी में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। कंपनी में काम कर रहे करीब 4 मजदूर आग में झुलस गए, जिसमें 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वहीं एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संतोष दूधी ने बताया कि सहयोग फार्मा कंपनी में आज सुबह अंदर रखे केमिकल में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे में करीब 4 मजदूर झुलस गए जो कि अंदर काम कर रहे थे, जबकि एक मजदूर कमलेश तिवारी नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवा दिया गया है। फिलहाल आग पूरी तरह कंट्रोल में है। आग बुझाने में करीब 3 से 4 दमकल की गाड़ी मदद के लिए पहुंची है। केमिकल में आग लगने के बाद कंपनी में भगदड़ का माहौल बन गया था। वहीं पास की ही कंपनी कमर्शियल बैग द्वारा अपनी निजी एम्बुलेंस मदद से घायलों को उपचार के लिए तुरंत भिजवाया। कंपनी में फायर फाइटिंग के उपकरण पूरी तरह बंद नजर आए। पीथमपुर से संजय सोनगोरा की रिपोर्ट। कंपनी में हादसा हुआ है, क्या है इस कंपनी का नाम और कितने लोग घायल हुए हैं? ये सेक्टर 1 में सहयोग फार्मा करके कंपनी है जिसमें दवाई बनती है। तो आज सुबह सुबह कुछ सूचना मिली कि शॉर्ट सर्किट के कारण आगजनी हुई, जिसमें कुछ केमिकल ने आग पकड़ी है। मौके पर काम कर रहे 4 कर्मचारी इसमें झुलस गए हैं, जिसमें एक कमलेश तिवारी करते हैं, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घायलों को हमने मध्य भारत अस्पताल में रवाना किया और अभी पूरी तरह से आग नियंत्रण कर रहे हैं। सर अभी क्या स्थिति है? अभी इसमें आग नियंत्रण में पूरी तरह से है और देख रहे हैं किस केमिकल ने आग पकड़ी है और अभी इसकी जांच कर रहे हैं। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।